नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो भाई एप्पल का फोन तो ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसको गाड़ी में चार्ज कैसे करें, क्योंकि गाड़ी में चार्ज करने के लिए एप्पल ने क्या दिमाग लगाया अब की बार कि डाटा केबल ही चेंज कर दिया है। डाटा केबल जो कर दिया यूएसबी टाइप सी वाली कर दिया। तो मेरे पास जो पहले गाड़ी का जो चार्जर था उसमें टाइप ए वाली डाटा केबल लगती थी, तो अब टाइप सी के लिए अब ये मंगाना पड़ा फोटोनिक्स का टाइप सी वाला कार चार्जर। तो अब इसको एक बार देखते हैं तो क्या ये चार्ज करता है या क्या नहीं करता, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स में ना काफ़ी ज़्यादा तो ये भी कहता है कि कई बार तो वो गाड़ी में काम भी नहीं करते, सपोर्ट भी नहीं करते एप्पल के प्रोडक्ट्स। और अगर आप किसी अनटेस्टेड ब्रांड पे यूज करते हो तो वो कई बार चलते भी नहीं है एप्पल का, जैसे फ़ोन चार्ज करता भी है कि नहीं करता, तो वो एक बार देखते हैं। चार्जर के बारे में बताऊँ तो चार्जर जैसा कि आप देख रहे हो तो बहुत छोटी सी पैकिंग में आया ये, और मैंने जो ये चार्जर मंगाया है ना ये अमेजन से मंगाया है। अमेजन से जो मुझे पड़ा है ये 349 रुपीज़ का पड़ा है। तो इसका ना प्राइस 20-30 रुपये अप डाउन होता रहता है, मैंने देखा था। तो आपको अगर आपको ये चार्जर खरीदना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार देख लेना कि ये कितने रुपए का पड़ेगा, कितने का नहीं पड़ता। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये फोटोनिक्स का है, कार का पावर मिनी चार्जर। तो ये बेसिकली दो इसमें सॉकेट हैं, एक यूएसबी टाइप सी वाली और एक नॉर्मल यूएसबी टाइप ए वाली। तो अगर मैं इसकी अनबॉक्सिंग में बताऊँ तो कुछ नहीं है इसमें, केवल एक ये चार्जर है, और इसके अंदर कोई गाइड वाइड तो कुछ ऐसी है नहीं कि जिससे आपको पता लग सके कि भाई ये चार्जर कि कोई कैसे आपको यूज करना है कैसे नहीं। कोई इसके अंदर बुकलेट वगैरह कुछ नहीं देगी। तो सबसे पहले इस चार्जर को अगर मैं निकालता हूँ तो सिंपल इसमें ये केवल एक चार्जर है, इसके साथ ना कोई बुक वुक कुछ भी नहीं आती, जैसा कि आप देख सकते हो ये सिंपल खाली है। और इसका जो भी ना कैसे भी यूज करना है, कुछ यूज करना है, कुछ नहीं लिखा हुआ। बाकी इस पर लिखा हुआ है कि ये 18 वाट की टोटल आउटपुट देता है और रैपिड चार्जर है और डुअल पोर्ट आउटपुट है। तो अब इसमें मैं आपको बताऊं तो ये इस पर कंपनी का लोगो लगा हुआ है फोटोनिक्स का, और एक यूएसबी टाइप ए की सॉकेट है और यूएसबी टाइप सी की। तो इसको ना सिंपल अब ये क्या करते हैं कि हम गाड़ी के अंदर लगा देते हैं। तो गाड़ी के अंदर लगाने के बाद इसके अंदर कोई लाइट, हाँ यहाँ पे यूएसबी टाइप ए वाली सॉकेट के अंदर तो इसके अंदर लाइट है, लेकिन इसमें नहीं है यूएसबी टाइप सी वाली में। तो अब इसको एक बार अपनी डाटा केबल को मैं इसको लगाता हूँ और एक बार देखता हूँ कि ये चार्ज करता है नहीं करता। तो डाटा केबल को इसको लगाता हूँ कि चार्ज करता है नहीं करता। तो आप देख सकते हो चार्ज तो ये कर रहा है, और अब कितनी स्पीड में करेगा कितनी में नहीं ये तो खैर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है ना आईफोन में इसमें 80% के बाद ना बहुत स्लो स्लो चार्ज होता है, लेकिन 80% तक तो ठीक चार्ज होता है जल्दी अगर आप कंपनी के चार्जर से भी चार्ज करोगे तो। तो बाकी ये है कि ये सपोर्ट कर रहा है, तो आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पे कहीं पे जाना है और आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो फिर आप कम से कम इसको यूज़ तो कर सकते हो, और ये क्या आपके फ़ोन की बैटरी है वो कम से कम डेड नहीं होगी, और आप ऑन द गो अपने मोबाइल को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो ऑन द गो, आपके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल भी डेड नहीं होगी। तो ये थी छोटी सी एक ये कि फोटोनिक्स का पावर का जो कार चार्जर आता है, मोबाइल कार चार्जर, वो आपकी गाड़ी के एप्पल के फ़ोन को सपोर्ट करता भी है कि नहीं करता। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट। थैंक यू सो मच।